नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं श्लोक गार्डन ब्लॉग और ये आप देख रहे हैं मिनी चांदनी का प्लांट है, ड्वार्फ वेराइटी का। इसमें इसके पत्ते जो होते हैं ये छोटे छोटे होते हैं और इसमें फूल भी छोटे साइज के आते हैं, इसीलिए इसे मिनी चांदनी का प्लांट कहते हैं। तो ये मेरे घर में बहुत सालों से है, मगर इससे मैंने रिपोर्ट किए हुए आसपास एक दो साल हो गए हैं, तो इसमें फ्लावरिंग आना कम हो चुका है और इसके रूट भी बढ़ चुके हैं, रूट बाउंड हो गए हैं। तो इस वजह से मुझे इसे रिपोर्ट करना है। तो इसका सॉइल मीडिया, इसकी केयर कैसे की जाती है तथा इसके टिप्स सब मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। तो सबसे पहले हम इसे इस पॉट से निकाल लेते हैं। मैं इसी मिट्टी को यूज़ करने वाला हूँ, सिर्फ इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करूँगा। ये देखिए प्लांट, देख सकते हैं इसके पूरे रूट इधर उधर, इसलिए हमें इसे रिपोर्ट करना जरूरी है। तो देखिए मेरा सॉइल मीडिया रेडी है, आप देख सकते हैं मैंने उसी मिट्टी को लिया, देख सकते हैं आप बहुत ही बढ़िया भुरभुरी है, इस वजह से मैंने इसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। तो इसे हमें लेना है 60% और ये है गोबर की खाद, 2 साल पुरानी अच्छी खासी सड़ी हुई, तो इसे मैं 20% लूँगा। और जो आप देख रहे हैं ये राइसस्क है, इसको 20% लूँगा। ये क्या करता है, मिट्टी को और भुरभुरा और वेल ड्रेन बनाता है। और इसके साथ आप देख रहे हैं ये NPK है 19-19-90, इसे भी मैं 10 ग्राम लूँगा। और ये फंगीसाइड दिख रहे हैं आप, फंगीसाइड को मैं 5 ग्राम लूँगा। अगर आपके पास नीमखली है तो आप फंगीसाइड के जगह नीमखली भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमें किस लिए यूज़ करना है, क्योंकि प्लांट को हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ फंगस नहीं लगना चाहिए, इसलिए। तो इस प्रकार मेरा सॉइल मीडिया बिल्कुल रेडी है, हम इसे मिक्स कर लेंगे अभी। अब हम इसे रिपोर्ट करते हैं। तो रिपोर्ट के लिए मैंने 12 इंच का गमला लिया है, आप कम से कम 10 इंच के गमले के ऊपर का गमला इसके लिए यूज़ कीजिए इस प्लांट के लिए, क्योंकि वो बेहतरीन होता है, क्योंकि इसकी जड़ें ज़्यादा ओवररूट हो जाती है जल्दी, तो इसलिए बड़ा गमला कभी भी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने इसे 12 इंच के गमले में इसे लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ड्रेनेज के लिए इसके नीचे जो ये मटके के टुकड़े होते हैं मेरे पास है, तो मैं इसे जो ड्रेनेज सिस्टम है इसके निचले हिस्से में रखूँगा और उसके ऊपर में मैं कुछ थर्माकोल के पीसेस डाल दूंगा। मेरा ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया हो गया है, अब हम इसमें आधे पॉट तक के सॉइल मीडिया भरेंगे। इस प्लांट का सॉइल मीडिया वेल ड्रेन और भुरभुरा चाहिए। अगर इसमें 10-15 दिन तक पानी जमा रहा, अगर ड्रेनेज नहीं हुआ, तो इस प्लांट के क्या होता है, जड़ें जो होती है वो सड़न का शिकार हो सकती है, जिससे इसके पत्ते पीले गिर के ये प्लांट मर भी सकता है। तो इस चीज़ का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। देख सकते हैं सॉइल मीडिया हो गया। अब हम जो हमारा प्लांट है बहुत ही बढ़िया प्लांट है, इसी प्लांट को हम ऐसे ही रखेंगे, ये मिट्टी नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये मिट्टी अच्छे से पकड़ हो चुकी है जड़ों को, इस वजह से ये हमारा प्लांट रखी हो गया है। और ऊपर से हम जो बची वाली सॉइल मीडिया है उससे इसे रिफिल कर देंगे। ये हमारा प्लांट हो गया रिपोर्टिंग करके, अब इसके बारे में हम कुछ जानकारी देंगे। तो मैं इस प्लांट की कुछ खास बातें बताऊंगा। ये प्लांट समर में तथा समर के बाद जो बारिश का मौसम आता है उसमें अच्छे खासी फ्लावरिंग करता है, तथा ठंडी के सीजन में ये डोरमेंसी में जाता है। ये एवरग्रीन प्लांट है, ये साल भर आपको ग्रीन ही दिखेगा, सिर्फ इसका आपको फर्टिलाइज़र का ध्यान देना है और पानी की मात्रा कम रखनी है। अब हम आते हैं इसकी सनलाइट की तरफ। इस पौधे को ज़्यादा सनलाइट की आवश्यकता है, ये सन लविंग प्लांट है, इसे हम दिन भर की भी धूप दे सकते हैं, मगर इसे कम से कम दिन में 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए। अगर आप इसको धूप नहीं देंगे तो ये फ्लावरिंग कम कर देगा और इसमें फ्लावरिंग आना बंद हो जाएगी, तो सनलाइट इसे देना बहुत ही ज़रूरी है। वाटरिंग, इसको वाटरिंग बहुत ही कम चाहिए। अगर इसका सॉइल मीडिया आपको मॉइस्चराइज दिखता है या गीला दिखता है तो इसको पानी मत दीजिए, जब तक ये ऊपर की मिट्टी सूखती नहीं तब तक आप इसे वाटरिंग मत कीजिए। अगर इसमें ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी होता है जड़ें सड़ना चालू हो जाती है। अगर इसमें कंटिन्यू 5-10 दिन अगर पानी से अगर ये मिट्टी गीली रही तो इसमें सड़न या गलन हो सकता है, पत्ते इसके पीले पड़ जाएंगे और ये प्लांट पूरी तरह से मरने यानी डेड हो सकता है। तो इस बात का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, इसको वाटरिंग कम चाहिए। अब फर्टिलाइज़र की बात आती है, तो इसे आप कंपोस्ट, काउडंग कुछ भी दे सकते हैं 20 से 25-30 दिन में, यानी 1 महीने में आप एक बार इसे दीजिए।
इसके अलावा आप DAP के कुछ दाने भी दे सकते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं ये DAP है, इसे आप एक महीने में 10 से 20 दाने रूट यानी जो जड़े हैं जड़ों के पास नहीं इससे दूर आप ये पॉट के साइड में इसे दीजिए। तो इससे क्या होता है, इसके पत्ते अच्छे ग्रीनिश होते हैं और ये अच्छी ग्रोथ करता है और हेल्दी प्लांट बनता है। इसके अलावा आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। कोई भी फ्रूट के छिलके होते हैं उसे आप अच्छी तरह से पानी में डुबो के रखिए 10 से 15 दिन, उसके बाद में जो लिक्विड बनता है उसका आप इसके जड़ों में दे सकते हैं। अब आती है पेस्टिसाइड, इसके ऊपर कीड़ों का भी अटैक होता है, तो जिसमें आप देख सकते हैं मिलीबग और जो मावा होता है चिपचिपा उसका भी अटैक होता है। तो इसके लिए आप इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे हर 15 से 20 दिन में कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये मोनोक्रोटोफॉस और तत्काल, ये दोनों का मिक्सचर 1.5 लीटर पानी में 1 से 2 ml डाल के करता हूँ और उसका स्प्रे करता हूँ, जिससे मिलीबग और जो मावा होता है चिपचिपा सा जो रोग होता है वो अच्छी तरीके से 1 से 2 दिन में दूर हो जाते हैं। और उसके बाद हम प्रोपोगेशन में अगर आपको इस प्लांट के अलग अलग ढेरों प्लांट बनाना है तो इसकी आप अच्छी खासी जैसे ये थिक कटिंग है ऐसी कटिंग लेके आप इसे अच्छे से ग्रो भी कर सकते हैं, इसके बहुत सारे प्लांट भी बना सकते हैं। तो ये प्लांट ही बहुत ही अच्छा प्लांट है, ये साल भर आपको फ्लावरिंग भी देगा और अच्छा बुशी भी रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।